हेलो एवरीवन, स्टोरी टाइम विद सिमरन में आपका स्वागत है। आज की कहानी है द लिटिल ड्रमर बॉय, यानी कि ड्रम बजाने वाला एक छोटा नन्हा बालक। यह क्रिसमस की एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक छोटा बालक गहरी नींद में सो रहा था। अचानक शोर से उसकी नींद खुल गई और वह अपने घर के ठीक बाहर एक परेड को देखकर चौंक गया। वह अक्सर सजने सवरने और ड्रम बजाते हुए परेड में दूसरे लोगों के साथ मार्च करने के सपने देखता था। जैक के माता पिता ने उसे उसके जन्मदिन पर एक ड्रम उपहार में दिया और अपने घर के बाहर परेड होते देखकर जैक को एहसास हुआ कि यह बाहर निकलने, ड्रम बजाने और रंगीन समारोह का हिस्सा बनने का उसका एकमात्र मौका था। वह यह देखकर दंग रह गए कि जो लोग बाहर परेड कर रहे थे वे कोई सामान्य पुरुष और महिलाएं नहीं थी। वे अमीर लग रहे थे, ऊंटों पर बैठे थे और शानदार कपड़े पहने हुए थे। इन ऊंटों का नेतृत्व करने वाले नौकर थे और जैक का मानना था कि यह परेड एक महल की ओर जा रही थी, इसलिए किसी भी अन्य जिज्ञासु लड़के की तरह जैक अपने घर से बाहर निकल गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके माता पिता जाग न जाएं, और अपना ड्रम अपने साथ ले गया। एक बार जब वह दरवाजे से बाहर निकला तो उसने परेड के साथ कतार में खड़े होकर आखिरी ऊंट के पीछे ड्रम बजाना शुरू कर दिया। जैक को कम ही पता था कि परेड वास्तव में बैतलहम की ओर जा रही थी, उस गौशाले की ओर जहां एक बच्चे का जन्म हुआ था। लोगों को तुरंत पता चल गया कि नवजात शिशु विशेष था, क्योंकि ऊपर आकाश में एक तारा चमक रहा था। ऊंटों पर सवार सभी राजा और चरवाहे जो परेड का हिस्सा थे अपने साथ राजसी उपहार ले गए। लिटिल जैक के पास अपने ड्रम के अलावा कुछ भी नहीं था। जैक ने देखा कि गौशाले के सबसे गरीब विधवा के पास भी नवजात को देने के लिए कुछ ना कुछ तो था। अन्य सभी दर्शकों के चले जाने के बाद छोटा ढोल बजाने वाला लड़का गौशाले में अकेला खड़ा था। उसकी उपस्थिति पर किसी का ध्यान नहीं गया। अपने पास एक भी उपहार न होने से वह निराश था। बिना यह जाने कि आगे क्या करना है, उसने अपना ड्रम बजाना शुरू कर दिया, पहले धीरे और फिर तेज। ढोल की आवाज सुनकर नवजात शिशु ने अपना सिर घुमाया और ड्रमर बॉय की ओर देखते हुए मुस्कुराया। इस विशेष दिन पर नवजात शिशु की यह पहली प्रतिक्रिया थी। ड्रमर बॉय की यह कहानी एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी है और यह क्रिसमस के दौरान किसी दूसरे को दिए जाने वाले सबसे बड़े उपहार के महत्व को दर्शाती है। क्रिसमस के दौरान किसी दूसरे के लिए अगर आप कोई सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं तो वह प्यार का अनोखा उपहार है।